जोनल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संदिग्ध को भर्ती किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा अस्पताल ने संदिग्ध को जोनल अस्पताल भेजा है। धर्मशाला अस्पताल में संदिग्ध मरीज के सैंपल लिए जा रहे हैं, जिन्हें टांडा मेडिकल भेजा जाएगा तथा वहां से पुणे स्थित लैब में जाँच के लिए भेजा जाएगा। जोनल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संदिग्ध को भर्ती किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा अस्पताल ने संदिग्ध को जोनल अस्पताल भेजा गया है। धर्मशाला अस्पताल में संदिग्ध मरीज के सैंपल लिए जा रहे हैं, जिन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा तथा वहां से पुणे स्थित लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। जिला में कोरोना संदिग्ध का ये छठा मामला सामने आया है। पहले सामने आए 5 संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। कोरोना संदिग्ध जिला कांगड़ा निवासी है, जो कि सुबह सिंगापुर से बेंगलोर पहुंचा था और वहां से दिल्ली होते हुए कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पर की गई स्क्रीनिंग के बाद उसे टांडा मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, जहां से उसे जोनल अस्पताल भेज दिया गया। उधर जोनल अस्पताल धर्मशाला के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दिनेश महाजन ने पुष्टि करते हुए बताया कि सिंगापुर से आए जिला कांगड़ा निवासी व्यक्ति को टांडा मेडिकल कॉलेज से धर्मशाला अस्पताल भेज दिया गया है, जिसे धर्मशाला में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। संदिग्ध मरीज के सैंपल लिए जा रहे हैं, जिन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।